भागलपुर में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर वोटिंग प्रतिशत बढ़ाने के लिए तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में शनिवार को एनएसएस की ओर से स्वीप कार्यक्रम के अंतर्गत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, TMBU के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल, एनएसएस के क्षेत्रीय निदेशक और साउथ फिल्म अभिनेत्री एवं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर संचिता बसु ने संयुक्त रूप से किया। वहीं इस जागरूकता कार्यक्रम में मौजूद सभी लोगों को मतदान करने और अन्य लोगों से भी इसके लिए जागरूक करने को लेकर शपथ दिलाई गई। इस दौरान कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में एनएसएस के स्वयंसेवकों को जिला निर्वाचन पदाधिकारी, कुलपति और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर समेत कई बुद्धिजीवियों ने सभी छात्र छात्राओं और उपस्थित लोगों से मतदान के प्रति जागरूक होने की बात कही, जिससे जिले में वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाकर काफी ऊपर पहुंचाया जा सके। इधर जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में 26 अप्रैल को भागलपुर में मतदान होना है और इसमें युवाओं एवं वृद्धजनों के साथ हर आयु वर्ग के मतदाता हिस्सा लेकर लोकतंत्र को मजबूत करते हुए अपने मताधिकार का प्रयोग करे। साथ ही उन्होंने कहा कि 2 लाख से अधिक मतदाता 18 से 25 वर्ष के आयु के हैं, जिनके द्वारा मतदान करने से जहां वे अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे, वहीं अपनी इच्छा अनुरूप प्रत्याशी के चयन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगे। वहीं इस कार्यक्रम में अभिनेत्री संचिता बसु ने भी सभी लोगों और छात्र छात्राओं से बढ़ चढ़कर मतदान करने के प्रति जागरूक किया और विशेषकर नए एवं युवा वोटरों से मतदान का महत्व समझते हुए मतदान केंद्र पहुँच कर वोटिंग प्रतिशत में वृद्धि करने की अपील की। साथ ही कहा कि वोट हमारा अधिकार और कर्तव्य है एवं वे अपने सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी युवाओं एवं लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने की बात कही। मौके पर सदर SDO धनंजय कुमार, जिला स्वीप आइकन अजय अटेल समेत TMBU के कई पदाधिकारी और निर्वाचन कार्य से जुड़े पदाधिकारी और NSS के छात्र छात्रा मौजूद रहे। मेरा बेसिकली ये है कि मैं ये बोलना चाहूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोटिंग कीजिए, क्योंकि हम लोग जो यंगस्टर हैं वो हम लोग के देश का फ्यूचर है, बिहार का भी फ्यूचर है। जैसा कि DM sir ने बोला कि बहुत सारे लोग आउट ऑफ बिहार, हर स्टेट में आपको बिहारी मिलेंगे काम करते हैं, इतने ज़्यादा वो लोग हार्ड वर्किंग होते हैं। तो छोटा सा वोट देने में क्या है, जो 30 सेकेंड का काम है, आप अपने घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर दिया जाता है वोटिंग का केंद्र, तो वहाँ जाके आप दे सकते हो वोट। तो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ये रहेगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा यंगस्टर को, महिलाओं को जो घर के काम में व्यस्त होकर भूल जाती हैं कि वोट नहीं देने जाएंगे, तो इम्पोर्टेंस वोट का समझे और वोट ज़रूर दें। अभी आप देख रहे हैं कि TMBU में अभी राष्ट्रपति महोदय के अध्यक्षता में एक स्वीप कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें NSS के काफ़ी अच्छे थे और सभी लोगों को जागरूक किया गया है, विशेष रूप से कि वो अपना वोट तो डाले ही, साथ ही वो जिनको जानते हैं और जिस सोसाइटी में रह रहे हैं और उस सोसाइटी में जो भी वोटर हैं उन सभी मतदाताओं को जागरूक करें, तो वोट डालें। और डेफिनेटली डेमोक्रेसी है, जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा किया जाने वाला शासन है, तो इसमें जितनी जनता हमारी अधिक वोट करेगी, अपने पसंद के लोगों को चुनेगी, उतना बेहतर हमारा डेमोक्रेसी होगा। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत सिकंदरपुर कोबीवाड़ी मोहल्ले में शनिवार की दोपहर भीषण आग लग गई। आग लगी की इस घटना में लाखों रुपए के सजावट वाले फाइबर के सामान जलकर राख हो गया। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि सिकंदरपुर कोबीवाड़ी स्थित कृष्णा फाइबर फैक्ट्री में सजावटी सामानों को तैयार किया जा रहा था, इसी दौरान वहां रखे फाइबर के सामान में आग लग गई, जो देखते ही देखते पूरे परिसर में फैल गई, जिससे पूरा आसमान धुएं की गुबार से भर गया। वहीं धुआं होता देख आसपास के स्थानीय लोग भी मौके पर पहुंचे और आग बुझाने का प्रयास करने लगे। हालांकि इस दौरान कृष्णा फाइबर के संचालक ने फायर ब्रिगेड को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद अग्निशमन विभाग की टीम दमकल की गाड़ी के साथ मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। घटना में लाखों रुपए के सामान का
का नुकसान हुआ है। इधर मामले की जानकारी मिलते ही मोजाहिदपुर इंस्पेक्टर दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए। हालांकि आग किन कारणों से लगी है यह अब तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। 112 पे भी कॉल किया गया, एसपी ऑफिस भी कॉल किया गया, फायर ब्रिगेड वाले को भी कॉल किया गया, बड़ा वाला आया ही नहीं अभी तक। छोटा सा जो है पानी लगा। आग कैसे लगी थी सर? आग तो कैसे लगी तो देखा नहीं कोई, तो कैसे लगी। अच्छा, कितने देर पहले आग लगी थी? लगभग 1.5 घंटे। 1.5 घंटे फोन किए थे आप अग्निवाहन को? अग्निवाहन 101 पे फोन नहीं लगा। भागलपुर में शिक्षा को लेकर आंदोलन आम बात हो गई है, जिसके तहत कभी विश्वविद्यालय के कर्मियों की नियुक्ति, लंबित बकाया राशि भुगतान, पेंडिंग रिजल्ट, छात्रों को होने वाली अलग अलग तरह की समस्याएं और कई तरह की मूलभूत सुविधाएं शामिल है। वहीं इसी कड़ी में शनिवार को एक बार फिर से तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय इस तपती धूप के बीच आंदोलन की आग में झुलसता दिखाई दिया, जबकि विश्वविद्यालय के कुलपति और सभी पदाधिकारी आंदोलन कर रहे छात्रों और छात्र नेताओं के समक्ष विवश नजर आए। दरअसल पिछले 15 दिनों से TMBU की बत्ती गुल है, जिसके कारण हॉस्टल में रहने वाले छात्र छात्राओं के साथ सभी कर्मियों को भी पानी के लिए तरसना पड़ रहा है, जिसको लेकर कई बार गुहार लगाने के बाद शनिवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद समेत कई छात्र नेताओं के नेतृत्व में प्रशासनिक भवन और कई कॉलेज को ABBP कार्यकर्ताओं द्वारा बंद कराया गया। बता दें कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा बिजली विभाग को बकाया 12 करोड़ से अधिक की राशि नहीं देने के एवज में कुछ दिन पूर्व बिजली विभाग द्वारा TMBU की बिजली आपूर्ति काट दी गई थी, जिसके बाद विशेषकर हॉस्टल में रहने वाले छात्र छात्राओं और आवासीय परिसर में रहने वाले कर्मियों को कई तरह की परेशानी हो रही है। वहीं इसको लेकर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल का कहना है कि बिजली विभाग का नाथनगर फीडर विश्वविद्यालय की जमीन पर स्थित है और वर्षों से इसके लिए विभाग द्वारा TMBU प्रशासन को किसी तरह का कोई किराया भुगतान नहीं किया गया है, जबकि अवैध रूप से बिजली विभाग द्वारा जमीन पर कब्जा करने के कारण विश्वविद्यालय प्रशासन ने बिजली बिल का भुगतान नहीं किया। इधर बिजली विभाग और TMBU प्रशासन की लड़ाई में बिजली कटने से इसका खामियाजा सभी छात्र छात्राओं और विश्वविद्यालय परिसर में रहने वाले छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। वहीं ABBP के प्रदेश कार्य समिति सदस्य कुणाल पांडे ने कहा कि विश्वविद्यालय में चिलचिलाती धूप और गर्मी में बिना बिजली के रहने एवं पढ़ाई करने को मजबूर हैं, लेकिन उनकी समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि इसी के खिलाफ विद्यार्थी परिषद की ओर से शनिवार को सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करते हुए छात्रों की हर प्रकार की समस्या का निदान करने के लिए सभी PG विभाग और कॉलेजों को बंद कराया गया। आंदोलन का नेतृत्व प्रदेश सह मंत्री हैप्पी आनंद राज और जिला संयोजक रोहित राज ने किया। मौके पर ABBP के कई छात्र नेता मौजूद रहे। सर, कॉलेज में पानी बिजली कुछ भी नहीं है और बहुत बड़ा कॉलेज है, उतना बड़ा कॉलेज में बस एक ही है। गर्मी इतना पड़ रहा है, पूरा इतना तेज से सर गर्मी बढ़ रहा है, कुछ भी नहीं है कॉलेज में। क्लास कर पा रहे हैं सही से? गर्मी में नहीं सर, गर्मी में सर कैसे क्लास करेंगे, पूरा गर्मी लगता है सर। हम लोग कोई देखने वाला है? कोई नहीं है सर देखने वाला। क्या नाम हुआ? मेरा सर अर्चना कुमारी। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं, या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब भागलपुर में आ गया है इन सब का समाधान, निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक। ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विथ रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही सुनने की जाँच कराएं तथा सुनने की मशीन लगवाएं। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, हमारा पता है बड़ी पोस्ट ऑफिस के सामने, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट तथा सेंट्रल बैंक वाले रोड में, भागलपुर। मोबाइल 7050199341। हमारी दो और भी शाखाएं हैं, पूर्णिया में पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में AB मेडिकल के समीप। भागलपुर के सराय रिकाबगंज स्थित CNM केमिस्ट्री ट्यूशन पॉइंट प्रांगण में शनिवार को सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 2024 बिहार बोर्ड इंटर साइंस परीक्षा में बेहतर परिणाम हासिल करने वाले सफल परीक्षार्थियों को CNM प्रबंधन की ओर से मेडल, मोमेंटो
और चेक देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान छात्र अश्विनी कुमार भागलपुर जिला टॉपर, अनीस कुमार भोजपुर जिला टॉपर, मनु कुमारी सहरसा जिला सेकेंड टॉपर, आनंद कुमार, रामजी कुमार यादव, नवीन कुमार और पटना पालीगंज के विकास कुमार को नगद राशि देकर पुरस्कृत किया गया। वहीं समारोह के दौरान बिहार बोर्ड की परीक्षा में पांचवा स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा अनुष्का गुप्ता को संस्थान के डायरेक्टर सुधाकर मिश्रा ने मोमेंटो मेडल और 51,000 की राशि का चेक सौंप कर सम्मानित किया। जबकि बांका जिला टॉपर एवं बिहार बोर्ड में सातवीं रैंक प्राप्त करने वाले छात्र को भी मोमेंटो मेडल एवं चेक देकर सम्मानित किया गया। वहीं सम्मान समारोह को लेकर संस्थान के निदेशक सुधाकर मिश्रा ने बताया कि इस संस्थान में केमिस्ट्री में 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले करीब 135 छात्र छात्राओं का पूरा शुल्क वापस कर दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि जी की परीक्षा में शामिल होने के कारण कई छात्र छात्रा समारोह में भाग नहीं ले सके। उन्होंने संस्थान से किसी भी रूप में जुड़े बिहार बोर्ड या जिला स्तर पर टॉपर बनने वाले स्टूडेंट को बाद में सम्मानित किया जाएगा। इधर कार्यक्रम में अंशुमान सिंह समेत सीएनएम केमिस्ट्री से जुड़े कई सदस्य और काफी संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रही। पर सिर्फ 90% से ऊपर नंबर लाने वाले बच्चे में ये जो टॉपर है वो तो है ही, टोटल मिलाकर के 137 बच्चे का फी वापस होगा। पैसा दे करके शिक्षा ग्रहण करना ये बहुत बड़ी बात नहीं है, पैसा तो एक पारितोषिक है, लेकिन वह बच्चा हमारे पास शिक्षा ग्रहण किया और वो हमको यदि श्रेय दे रहा है, सिर्फ केमिस्ट्री के कारण वो टॉप नहीं करता है, लेकिन यदि हमारे शिक्षा देने से भी उसको फायदा हुआ तो ये बहुत बड़ा, वो बच्चा हमको यदि श्रेय दे रहा है तो हम बहुत गर्वान्वित होते हैं। और ये सिलसिला पिछले 2018 से चलते आ रहा है। भागलपुर के सबौर थाना क्षेत्र में भूमि विवाद का मामला सामने आया है, जिसको लेकर पीड़ित पक्ष की ओर से एसएसपी कार्यालय में मामले की गुहार लगाई गई। इस दौरान पीड़ित परिवार ने बरिया पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार को मामले की जानकारी देते हुए उनकी निजी संपत्ति का ब्यौरा दिया और लगभग 4 डिसमिल जमीन वर्ष 2015 में जनार्दन यादव से खरीदे जाने की बात बताई। इसके बाद साल 2017 में उसी जमीन पर उन्होंने लोन लिया था, लेकिन कोरोना महामारी के कारण आर्थिक तंगी से परेशान होने से वे लोन की राशि समय पर चुका नहीं सका। वहीं इसके बाद बैंक द्वारा लोन की राशि नहीं चुकाए जाने पर जमीन मॉर्गेज कर लिया गया और एनपीए के बाद SC ST थाने में तत्कालीन थानाध्यक्ष महेश लाल राम को जमीन रजिस्ट्री कर दी गई। इधर मामले को लेकर फरियादी का कहना है कि यह मामला हाईकोर्ट में है और कोर्ट के आदेश के बावजूद थानाध्यक्ष और बैंक कर्मी ने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई, जबकि हाल ही में थानाध्यक्ष के सहयोगियों ने बुलडोजर चलाकर जमीन पर दखल करने की कोशिश की है। साथ ही पीड़ित पक्ष ने थाना प्रभारी पर दबंगई दिखाने का आरोप लगाते हुए कहा कि थानाध्यक्ष वर्दी की आड़ में कीमती जमीन को सस्ते कीमत पर हथियाना चाहते हैं और इसी कारण वे लोग वरीय पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार के समक्ष गुहार लगाने पहुंचे हैं, जहां SSP ने उन्हें न्याय का भरोसा दिया है। साथ ही पूरे मामले की जाँच कर दोषी पाए जाने वाले के खिलाफ उचित कानूनी कार्रवाई की बात भी कही है।